हेलो स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 व्हिच बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस. सो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3. तो स्टूडेंट्स, इसमें दिया आपको ए और बी का रिलेशनशिप फाइंड करना है. जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस. तो आपको यहां ये कॉन्टिन्यूस की कंडीशन यूज करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3. ये जो फंक्शन है 3 के लिए कॉन्टिन्यूस है और आपको ए और बी का रिलेशन फाइंड करना है. नाउ यू विल फाइंड एल एच एल. अब आपको एल एच एल फाइंड करना है. किस पे फाइंड करना है? 3 पे फाइंड करना है. जब आपको 3 के लिए एल एच एल फाइंड करना है तो लिमिट एक्स टेंस टू हो जाएगी 3 नेगेटिव एफ एक्स. अब आपको डिसाइड करना है फंक्शन कि फंक्शन कौन सा लेना है. इसमें दो फंक्शन है. अब एल एच एल में हमेशा आपको लेस देन वाला फंक्शन यूज करना है. तो लेस देन 3, जो लेस देन 3 वाला फंक्शन होगा वो यूज करना है. तो इसके लिए होगा बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट के ऊपर हमेशा नेगेटिव साइन आएगा और फंक्शन हो गया ए एक्स प्लस 1 हो गया. अब इसमें क्या करेंगे आप? रिप्लेस एक्स वाई. अब इसमें एक्स को रिप्लेस करना है आपको लिमिट प्लस लिमिट माइनस एच. लिमिट क्या है? 3 माइनस एच एंड एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव वाई एच टेंस टू 0. तो अब आप इसको तो एच टेंस टू 0 से रिप्लेस करेंगे और एक्स को 3 माइनस एच से रिप्रेजेंट करेंगे. इट मीन्स लिमिट एच टेंस टू 0 ए एक्स मीन्स 3 माइनस एच और प्लस 1 हो गया बेटा. अब इसको ए को मल्टीप्लाई करेंगे आप लिमिट एच टेंस टू 0 3 ए माइनस ए एच प्लस 1. नाउ पुटिंग लिमिट इट मीन्स 3 ए माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ए प्लस 1. नाउ वी विल फाइंड आर एच एल. अब आपको एल एच एल फाइंड करना है. इट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव. आर एच एल में हमेशा लिमिट के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा और फंक्शन डिसाइड करेंगे आप. आर एच एल में आपको ग्रेटर देन वाला फंक्शन यूज करना है. इट मीन्स जो लिमिट से ग्रेटर फंक्शन होगा, मतलब ग्रेटर देन 3. अब ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे. इट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव और फंक्शन लिखेंगे आप बी एक्स प्लस 3. अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है. नाउ रिप्लेस एक्स बाई लिमिट प्लस एच. राइट हैंड लिमिट में हमेशा वेरिएबल को लिमिट प्लस एच से रिप्लेस करना है और एंड एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव बाई एच टेंस टू 0. अब ये रिप्लेस करेंगे आप यहाँ इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा ये, और यहाँ एक्स की जगह आप 3 प्लस एच. तो बी 3 प्लस एच प्लस 3. नाउ सिंप्लीफाई लिमिट एच टेंस टू 0 3 बी प्लस बी एच और प्लस 3. ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसमें ये लिमिट पुट करेंगे तो ये 3 बी प्लस 0 प्लस 3. इट मीन्स 3 बी प्लस 3 हो गया. एल एच एल फाइंड हो गया, आर एच एल फाइंड हो गया. अब आपको एफ एक्स फाइंड करना है. किसके लिए? 3 के लिए. तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3. अब इसमें फंक्शन कौन सा यूज करेंगे आप? देखो इक्वल एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन ये है. तो एफ 3 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 3 प्लस 1. इट मीन्स 3 ए प्लस 1. तो अब आपने ये फाइंड कर लिया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा गिवन क्या है कि फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, लिखना होगा सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आपको एल एच एल आर एच एल और ये डायरेक्ट वैल्यू ऑफ एफ तीनों वैल्यू इक्वल पुट करनी होगी। देखो अब आप एल एच एल की वैल्यू 3a प्लस 1, आर एच एल की वैल्यू हो जाएगी 3b प्लस 3 और एफ 3 की वैल्यू 3a प्लस 1 जो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। सिंप्लीफाई करना है आपको, इस 1 को रिप्लेस करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, सो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ये एक्स और ए के बीच का रिलेशन हो जाएगा। तो आपको बेटा इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी के ऑल पॉइंट्स फाइंड करने, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसमें एट x इज इक्वल टू, आप यहां किसके लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, 0 के लिए, और इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी होंगी। उसके लिए आप सबसे पहले फाइंड करेंगे एल एच एल, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि हम 0 के लिए डिसाइड करेंगे और फंक्शन क्या हो जाएगा इसमें एफ एक्स की वैल्यू आप डिसाइड करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव का मतलब ये हो गया जो फंक्शन लेस देन 0 हो जाएगा आपको वह फंक्शन इसमें लिखना होगा। अब लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन आएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन x अपॉन x। अब इसमें आपको रिप्लेस करना है रिप्लेस x by 0 minus h and x tends to 0 negative by h tends to 0, ये रिप्लेस करेंगे आप तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 और यहां हो जाएगा साइन 0 minus h upon 0 minus h is equal to लिमिट h tends to 0 और ये हो जाएगा साइन minus h अपॉन माइनस एच। बट वी नो दैट कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो आप ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये साइन एच अपॉन एच जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है वैल्यू। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है इसमें आर एच एल, आपको ये आर एच एल फाइंड करना है। आर एच एल में आप आर एच एल, आर एच एल के लिए आप क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, 0 पॉजिटिव के लिए आप फंक्शन कौन सा यूज करेंगे जिसमें जो फंक्शन 0 से ग्रेटर आता है, इट मीन्स मोर देन 0 वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब आपको रिप्लेस करना है इसमें रिप्लेस एक्स बाई 0 प्लस एच एंड और ये लिमिट चेंज करेंगे रिप्लेस करेंगे 0 पॉजिटिव बाई एच टेंस टू 0, यहाँ चेंज करने के बाद क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन में आ जाएगा एच प्लस 1। अब लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट फंक्शन फाइंड करना है, इट मीन्स एफ 0, क्योंकि हम 0 के लिए करेंगे तो एफ 0 मतलब जहां इक्वल टू 0 होगा वो वाला फंक्शन यूज करेंगे, मतलब यहाँ आप 0 प्लस 1 इट मीन्स 1 हो गया। अब आपको लिखना है कि सिंस देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 और ये डायरेक्ट वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तीनों पार्ट तीनों वैल्यू इक्वल है, इट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस,
तो आपको लिखना होगा कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो आपको स्टूडेंट्स इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करने बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 करना है और उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। अब 26 से 29 क्या किसमें आपको किस वैल्यू पर ये कॉन्टिन्यूस है आपको हर क्वेश्चन में इंडिकेट किया है बेटा, और इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब सॉल्व करना है, इट मीन जब आपको कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन होगा। आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है, जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आप इसमें उसी टाइप से करेंगे एफ एक्स गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, और दूसरा फंक्शन दिया है 3 इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आपको ये फंक्शन दिया है, अब की बात अलग है बेटा। इसमें देखो यहाँ नॉट इक्वल टू, पहले क्या होता था इसमें लेस देन और ग्रेटर देन, तो जहां भी नॉट इक्वल टू साइन आएगा इसका मतलब क्या है कि वो ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन आपको वही यूज करना होगा और लेस देन के लिए आपको वही फंक्शन यूज करना है। तो ये दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू के लिए कॉन्टिन्यूस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसमें एल एच एल आर एच एल और डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाई टू तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी और उनको फाइंड करेंगे पहले। तो अब आपको फाइंड करना है एल एच एल। एल एच एल में आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू नेगेटिव। एल एच एल में हमेशा लिमिट के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और फंक्शन क्या होगा, जो लेस देन पाई बाई टू होगा, मतलब लेस देन पाई बाई टू, मतलब जो नॉट इक्वल टू पाई बाई टू होगा। अब नॉट इक्वल टू पाई बाई के लिए, पाई बाई टू के लिए फंक्शन क्या होगा, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। अब आप इसमें इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा रिप्लेस एक्स बाई लिमिट माइनस एच। एक्स को लिमिट माइनस एच से रिप्लेस करना है आपको, और लिमिट को एक्स टेंस टू पाई बाई टू नेगेटिव बाई एच टेंस टू जीरो आप इससे रिप्लेस करेंगे। अब इसके बाद आप इसमें चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये के और एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, इट मीन्स कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू, और एक्स के प्लेस पे आप लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एच। अब ये आप सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो के कॉस पाई बाई टू माइनस एच होता है साइन एच के इक्वल अपॉन ये पाई हो गया, माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस माइनस प्लस टू एच हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, इट मींस लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये के हो गया, ये टू अलग लिख लिया मैंने और मल्टीप्लाई में ये साइन एच अपॉन एच ये अलग हो गया। तो अब ये तो कॉमन ले लेंगे आप के वाई टू कॉन्स्टेंट और ये हो जाएगा लिमिट लिमिट यहां लिख लेते हैं इसमें ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट, इट मीन्स के वाई टू कॉमन और ये लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच ये वन के इक्वल होता है। तो ये के वाई टू मल्टीप्लाई वन मीन्स के वाई टू। अब आपको आर एच एल फाइंड करना है, आर एच एल में क्या करेंगे आप, लिमिट लिखेंगे आप क्या हो जाएगी एक्स टेंस टू जीरो सॉरी पाई बाई टू पॉजिटिव और फंक्शन क्या हो जाएगा। आर एच एल में हमेशा आपको ग्रेटर देन वाला फंक्शन यूज करना, मतलब ग्रेटर देन पाई बाई टू, इट मीन्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। ग्रेटर देन टू का मतलब पाई बाई टू, मतलब नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। अब इसमें आपको यहाँ इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू पॉजिटिव और फंक्शन यही हो जाएगा के कॉस एक्स हो गया अपॉन
पाई माइनस टू एक्स. नाउ रिप्लेस एक्स बाई, एक्स को रिप्लेस करेंगे अब लिमिट, मतलब पाई बाई टू प्लस एच से करेंगे एंड, और एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस बाई एच टेंस टू जीरो, ये रिप्लेस करो आप अब, इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये के कॉस पाई बाई टू प्लस एच हो गया अपॉन पाई माइनस टू और ये पाई बाई टू प्लस एच हो गया. एलएचएल में हमने पाई बाई टू माइनस एच पुट किया था और राइट हैंड लिमिट में हमने पाई बाई टू प्लस एच पुट किया, तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो के कॉस पाई बाई टू प्लस एच. पाई बाई टू प्लस एच लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव और पाई बाई टू चेंज हो जाएगा, माइनस साइन एच हो गया अपॉन पाई, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस टू एच, पाई से पाई कैंसिल आउट, इट मींस लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस के साइन एच, तो ये माइनस टू अलग कर लिया और एच अलग, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया ये. अब सिंपलीफाई करते तो इसमें के वाई टू कॉमन, लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो गया साइन एच अपॉन एच, इट मींस ये भी आपका के वाई टू हो जाएगा. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब फंक्शन में आपको डायरेक्ट पाई वाई टू पुट करना है. अब इक्वल टू पाई वाई टू के लिए आप जब एक्स की वैल्यू पाई वाई टू के इक्वल तब आपको ये फंक्शन यूज करना होगा, मतलब थ्री हो गया. अब आप ये देखो बेटा कि एल एच एल की वैल्यू कितनी है के वाई टू, आर एच एल की वैल्यू के वाई टू और ये एफ पाई बाई टू की वैल्यू थ्री. अब आप ये देखो बेटा कि ये डिफरेंट वैल्यू है बट हमें पहले ही दिया हुआ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना होगा. सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, थ्री के लिए कॉन्टिन्यूस है तो आपको क्या करना होगा, देन एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और इज इक्वल टू एफ पाई बाई टू, ये तीनों वैल्यू आपको इक्वल पुट करनी होंगी. अब एल एच एल की वैल्यू कितनी है के वाई टू, आर एच एल भी के वाई टू, तो इसको एक बार लिखेंगे आप और एफ पाई बाई टू की वैल्यू थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा सिक्स. तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. जब भी आपको कोई अननोन वैल्यू के ए बी या कुछ भी फाइंड करना है तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है इसी टाइप से. एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं इस पे बेस्ड. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 30. इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव इफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू, ए एक्स प्लस बी फंक्शन इफ एक्स ग्रेटर देन टू एंड लेस देन टेन, फंक्शन इज इक्वल टू 21 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10. तो आपको इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है. अब इसमें दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है क्या है, कॉन्टिन्यूस. अब इसमें फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस दिया है, कौन कौन से पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस आप चेक करेंगे. इसमें देखो जिसमें दोनों के लिए कंडीशन है आप वो वाला फंक्शन लेंगे, उसी के लिए डिसाइड करना है. आप देखो टू के लिए फंक्शन है और टेन के लिए, तो यहाँ आप क्या लेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू टू. सबसे पहले आपको टू के लिए डिसाइड करना है इसमें कि ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस आपको दिया हुआ है, ये कंडीशन फॉलो करेंगे आप. तो एल एच एल मतलब ये टू के लिए कॉन्टिन्यूस है, आपको ये फॉलो करना है. तो एल एच एल फाइंड करना, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव. अब टू नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या होगा, लेस देन टू वाला फंक्शन यूज करेंगे. एल एच एल में बताया था आपको मैंने कि हमेशा लेस देन वाला फंक्शन, मतलब लेस देन टू के लिए फंक्शन हो गया फाइव. अब इसमें आप रिप्लेस करो या मत करो बट कर देते हैं फिर भी हम. रिप्लेस एक्स बाई लिमिट माइनस एच एंड एक्स टेंस टू टू नेगेटिव बाई एच टेंस टू जीरो, ये रिप्लेस करेंगे तो आप क्या हो जाएगा लिमिट या एच टेंस टू जीरो, कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइव फाइव रहेगी तो ये लिमिट पुट करने के बाद भी फाइव आ जाएगा. अब आपको आर एच एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी टू के लिए, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव. अब इसके लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे, टू पॉजिटिव का मतलब ये ग्रेटर देन टू,
जो फंक्शन ग्रेटर देन टू के लिए है वो फंक्शन यूज करें। ग्रेटर देन टू के लिए फंक्शन ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसमें आपको रिप्लेस करना है रिप्लेस एक्स बाई लिमिट प्लस एच एंड एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव बाई एच टेंस टू जीरो। अब ये रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा यहां लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया, ए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे टू प्लस एच प्लस बी। अब इसमें ये सिंप्लीफाई करेंगे आप लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये टू ए प्लस टू एच प्लस बी। अब लिमिट की वैल्यू पुट करते तो ये हो जाएगा टू ए प्लस बी, आर एच एल हो गया। अब इसके बाद आपको इसमें ये एफ टू फाइंड करना है, मतलब आपको इसमें वो फंक्शन यूज करें जिसमें एक्स इज इक्वल टू टू है, तो एक्स इज इक्वल टू टू के लिए फंक्शन क्या है फाइव, तो डायरेक्टली ये फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि लिखना है कि सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू, इस टू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो टू के लिए भी कॉन्टिन्यूस होगा और टेन के लिए, तो यहां हो जाएगा देन एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ टू। तो एल एच एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो यहां एल एच एल मैंने फाइंड किया था फाइव, आर एच एल की वैल्यू हो जाएगी टू ए प्लस बी और एफ टू की वैल्यू फाइव, जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो ये इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी। अब आपको यहाँ एक्स इज इक्वल टू टेन के लिए कॉन्टिन्यूस है, उसकी कंडीशंस फाइंड करनी होंगी। अब आप टेन के लिए फाइंड करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा, अब इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी होगी, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टेन नेगेटिव। अब इसके लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे टेन नेगेटिव, मतलब जो फंक्शन लेस देन टेन के लिए है वो फंक्शन यूज करेंगे। अब लेस देन टेन के लिए फंक्शन आता है ये ए एक्स प्लस बी हो गया, अब इसमें आपको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस एक्स बाई हो जाएगा लिमिट माइनस में एच एंड एक्स टेंस टू टेन नेगेटिव बाई एच टेंस टू जीरो, ये चेंज करेंगे आप तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेन माइनस एच प्लस बी। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए टेन माइनस जीरो प्लस बी, मतलब टेन ए प्लस बी। उसके बाद आपको फाइंड करना है आर एच एल, इट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू टेन पॉजिटिव। अब टेन पॉजिटिव है तो इसके लिए आपको फंक्शन कौन सा यूज करना होगा, जिसमें जो फंक्शन मोर देन टेन के लिए यूज किया, मोर देन टेन के लिए फंक्शन आता है ट्वेंटी वन, इसमें भी आपको रिप्लेस करना है रिप्लेस एक्स बाई